हाँ भाई, तो कैसे हो आप सब। तो यार ये है हमारे पास Realme Narzo N53 और आज के इस वीडियो में हम इसकी डिटेल गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। हम इसमें BGMI प्ले करने वाले हैं, फ्री फायर प्ले करने वाले हैं एंड देखेंगे हमें ये वाला फोन कैसी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। एंड प्रोसेसर वगैरह की इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर देख सकते हो। एंड बाय द वे हमारे पास जो वेरियंट है 6128GB वाला और मैंने इसकी अंतुतु स्कोर निकाली थी भाई, 2 लाख के प्लस इसकी अंतुतु स्कोर निकल के आती है। तो चलिए देखते हैं इस आईफोन जैसा दिखने वाला फोन में कितना ज्यादा पावर है दोस्तों। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो भाई, वहां पे लाइक बटन है, लाइक कर दो। सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक का टारगेट सेट करते हैं, आई होप आप पूरा कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। एंड अभी फोन 59% हमारा चार्ज है और हीटिंग वगैरह मैं आपको दिखाऊं तो फोन का जो टेम्परेचर है भाई अभी नॉर्मल पे है। तो गेम खेलने के बाद देखेंगे कि क्या ये फोन हीट होता है या फिर नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम BGMI ओपन करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगाता है ये ओपन होने में। ओके गाइस, तो यहाँ पे भाई साहब काफी कम टाइम में ये ओपन हो चुका है, 43 सेकंड का टाइम लगा है BGMI को ओपन होने में। और इसके अगर मैं आपको ग्राफिक सेटिंग दिखाऊं तो दोस्तों इसमें आपको स्मूथ पे अल्ट्रा की ग्राफिक देखने को मिलती है और HD हाई की ग्राफिक देखने को मिलती है। एंड जायरो वगैरह का भी सपोर्ट दिया हुआ है इसमें, लेकिन काफी बेकार सा जायरो काम कर रहा है भाई इसका। खैर अभी हम गेम प्ले करते हैं, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस ये हमें निकाल कर देता है और कहीं पे भी आपको लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिले तो बताना आप। चलो भाई साहब, तो यहाँ पे ओहो भाई साहब, ओहो कहाँ गया बे भूतनी के, ओहो ओहो नुबड़ा लोग है क्या ये लोग, ओहो तेरी तो। चलिए अभी क्लासिक मैच लगाते हैं एंड देखेंगे यहाँ पे हमें कैसी परफॉर्मेंस ये वाला फोन निकाल कर देता है। पहले लूट कर लिया जाए। तो चलिए गाइस अभी हम भाई स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ गेम प्ले करने वाले हैं एंड देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस ये हमें निकाल कर देता है। तो भाई अभी जो गेम प्ले है स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ प्ले हो रहा है, चलिए भाई परफॉर्मेंस कैसी मिलती है इसके साथ वो देख लेते हैं। ओ भाई यार मत कर भाई। तो भाई BGMI हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड अभी हम इसको 20 से कट करते हैं, बाद में रैम मैनेजमेंट वगैरह भी देखेंगे हम। एंड चलिए फ्री फायर प्ले करते हैं, देखते फ्री फायर को ये कितने टाइम में ओपन करता है। तो चलो भाई शुरू हो चुका है, तो काफी कम टाइम लगा भाई फ्री फायर को ओपन होने में। एंड अगर मैं आपको इसकी ग्राफिक सेटिंग दिखाऊं ना भाई, तो यहाँ पे आपको मैक्स हाई की ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलती है भाई। तो चलो भाई गेम प्ले करते हैं, देखते हैं फ्री फायर में हमें ये फोन कैसी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। ओहो 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 भाई साहब, तो आज पता नहीं क्या हो गया है भाई, बहुत हेवी टाइप पे मैं गेम प्ले कर रहा हूँ। ओ भाई साहब कहाँ से मार रहा, ओहो। तो अभी हम रैंकड मैच लगाते हैं एंड यहाँ पे हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है वो देखेंगे। मिल गया गन भाई। तो चलिए अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ गेम प्ले करने वाले हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ कैसी परफॉर्मेंस मिलती है वो देखेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, भाई साहब कहाँ से मार रहा, ओ यार। एंड अगर मैं आपको इसकी बैटरी परसेंटेज दिखाऊं तो 59 में हमने गेम प्ले शुरू किया था और अभी इसमें 50% की बैटरी बची हुई है, तो मतलब 9% बैटरी ड्रेन हुई है भाई दोनों ही गेम प्ले को प्ले करने के बाद। और हीटिंग वगैरह देख लेते हैं, तो भाई हीटिंग तो हाँ, तो नॉर्मल सा फोन हीट भी हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि मेरे को इस वाले फोन की परफॉर्मेंस कैसी मिली। तो मैंने इसमें BGMI प्ले करा, फ्री फायर प्ले करा और स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ भी हमने गेम प्ले करा था। अब देखो बजट रेंज वाले स्मार्टफोन से हमें
ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन भाई ये फ़ोन जिस प्राइस पॉइंट में आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो परफॉर्मेंस निकाल कर दिया है मेरे को अच्छी निकाल कर दिया है। अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो तो ये वाला फ़ोन आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा भाई, आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप अपनी राय बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इस वाले फ़ोन के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।